हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है नेटवर्क सॉरी फ्रेंड्स ब्लूटूथ प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो बताऊंगी आपको। और फ्रेंड्स, मेरे पास सैमसंग का सैमसंग का फ़ोन है और आपको दिखा देती हूँ, देख सकते हैं। तो अगर आपके ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहे हैं तो आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बताऊँगी। मान लो कि अगर आप ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, जैसे इस प्रकार स्लाइड कर लेते हैं और ब्लूटूथ पे क्लिक करते हैं, और इसके बाद अगर आप ब्लूटूथ को ऑन करते हैं तो आपका इसलिए कनेक्ट नहीं होता फ्रेंड्स। अगर आपका नेट मतलब कि कनेक्ट नहीं है वाईफाई या फिर डाटा, इसमें वाईफाई कनेक्ट नहीं है तो जब तक आपका नेट ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होगा। किसी किसी फ़ोन में ऐसा होता है, मेरे फ़ोन में तो ऐसे ही होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए इससे पहले, एंड इसके बाद इसे ऑन करेंगे। जिसमें आप कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो ईयरफोन हो, ब्लूटूथ मतलब कि ईयरफोन डीजे और किसी में वो कनेक्ट कर रहे हैं ब्लूटूथ, तो फ्रेंड्स आपका वो फुल चार्ज होना चाहिए जिसमें आप कनेक्ट कर रहे हैं। एंड उससे और जिसमें आप कनेक्ट कर रहे हैं उसे भी ऑन करके रखिए, और उसका नेम इधर धीरे धीरे आएगा। जितने भी आसपास है जिसका ब्लूटूथ ऑन है और उसी का नेम आ रहा है, देख सकते हैं। एंड इसी प्रकार से करेंगे, एंड इनमें से किसी पे भी क्लिक कर देंगे और आपका कनेक्ट हो जाता है। अगर नहीं होता तब भी क्लिक करने से तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना बताऊँगी। तो इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना होगा। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपका जनरल मैनेजमेंट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका रीसेट का ऑप्शन पर क्लिक करना है, एंड इसके बाद आपका रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स पे क्लिक करना है। अगर आप ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व करना बता रहे हैं, अगर वाईफाई कनेक्ट है आपके वहाँ तो वो डिसकनेक्ट हो जाएगा वापस, तो आपका दोनों ही कनेक्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से क्लिक करेंगे, इसे रिसेट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बस आपका डिसकनेक्ट हो जाता है। जो कनेक्ट है नेटवर्क से रिलेटेड वो डिसकनेक्ट हो जाता है, एंड आप रिसेट सेटिंग्स पर क्लिक कर देंगे एंड इसे रिसेट कर देंगे और आपका रिसेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे यूट्यूब मतलब ब्लूटूथ को ऑन करके देख सकते हैं ऑफ हो चुका है, जबकि मैं ऑन करके छोड़ी थी इसलिए क्योंकि ये डिसकनेक्ट हो गया, यानी कि ऑफ हो गया यार जी। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। रीसेट करने से आपका ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया किस प्रकार से ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स तब तक ही नमस्कार।